स्मार्ट सिटी वडोदरा के गुलबांकों के बीच वडोदरा के विविध विस्तारों में आज भी लो प्रेशर पानी सहित दूषित पानी की समस्या फैली है। जहां शहर के इलेक्शन वार्ड नंबर 13 विस्तार में जयरत्न चार रास्ते स्थित द्वार कुंज सोसाइटी में फैली दूषित पानी की समस्या के मद्देनजर आज स्थानीय कांग्रेस के काउंसिलर बालू सुरवे के साथ स्थानीय महिलाओं ने भारी नाराजगी व्यक्त की थी। वडोदरा शहर स्मार्ट सिटी नहीं लेकिन समस्याओं का सिटी बन चुका है। जहां स्मार्ट सिटी की तथा विकास की बड़ी बड़ी गुलबांगों के बीच गर्मी की शुरुआत होने के साथ ही वडोदरा के तमाम इलेक्शन वार्ड विस्तारों में लो प्रेशर पानी, गंदा और बदबूदार पानी की समस्याएं फैल रही है। जहां शहर के इलेक्शन वार्ड नंबर 13 में समाविष्ट वैसे जयरत्न चार रास्ता द्वार कुंज सोसाइटी के पास भी ढेरों पानी की समस्या फैलते हुए आज स्थानीय महिलाओं ने स्थानीय कांग्रेस के काउंसिलर बालू सुरवे की आगेवानी के तहत नाराजगी व्यक्त की थी। इलेक्शन वार्ड नंबर 13 जयरत्न चार रास्ते परम पूज्य डोंगरेजी महाराज प्राथमिक शाला के सामने आई हुई द्वार के कुंज सोसाइटी सहित आसपास की सोसाइटी में लंबे वक्त से लो प्रेशर पानी के साथ गंदा बदबूदार तथा दुर्गंधयुक्त पानी आ रहा है, जिसको लेकर स्थानिक रहिशों को काफी परेशानियां भुगतनी पड़ रही है। एक और गर्मी की शुरुआत और ऊपर से टैक्स भरने के बावजूद लोगों को पीने का शुद्ध पानी नहीं मिल रहा। ऐसे में प्राथमिक सुविधा देने में सरासर निष्फल और असफल साबित हुई वैसे कॉर्पोरेशन तंत्र के प्रति आज भी स्थानिक महिलाओं ने नाराजगी व्यक्त की थी। जहां स्थानिक कांग्रेस के काउंसिलर वैसे बालू सुरवे द्वारा आज महिलाओं के साथ रहते हुए कॉर्पोरेशन की कचेरी में ढेरों बार रजूआत करने के बावजूद कोई भी कामगिरी नहीं करने के गंभीर आरोप लगाए थे, जिसमें कांग्रेस काउंसिलर बालू सुरवे का कहना था कि उनके द्वारा ये विस्तार में फैली वैसी ये समस्या को लेकर ढेरों बार कॉर्पोरेशन कचेरी में शिकायतें की गई है, लेकिन मोटी चमड़ी के अधिकारियों पर इसकी चूत तक नहीं रेंगती। ऐसे में आने वाले 2 या 3 दिनों में समस्या का हल नहीं किया जाएगा तो कामगिरी बंद करने के तहत म्युनिसिपल काउंसिलर बालू सुरवे द्वारा आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा, वैसी चेतावनी दी गई थी। जहां जल्द से जल्द ये समस्या हल करने की मांग कर आज तंत्र को आड़े हाथों लेते हुए कांगी काउंसिलर सहित महिलाओं ने भी अपनी नाराजगी को व्यक्त किया था। हमारा विस्तार में डोंगरे महाराज स्कूल बाजू में द्वारके स्कूल सोसायटी है, 10-10 दिवस कारू गंदू ने चीवड़ा वालू पानी आए थे। मान 7-8 एक कलाक पानी मलतू हो, એમાં 7:10 પછી પાણી આવે છે। 15-20 મિનિટ કારુનો ગંદુ પાણી હોય છે, એના પછી થોડું 20-25 મિનિટ ચોખ્ખું પાણી હોય છે, પણ એમાં પણ દુર્ગંધ મારતી હોય છે। એટલે કોઈ જાતનું એ પાણી પીવાલાયક કામમાં નહીં આવતું, કોઈ ઉપયોગમાં નહીં આવી શકતું। અને જે તે અધિકારી પાણી પુરવઠા હોય, વોર્ડવાલા હોય, તમામ અધિકારીઓને અમે રજૂઆત કરી, વિસ્તારની બહેનોએ રજૂઆતો કરી, પણ કોઈ જાતની કામગીરી ન કરી। એટલે આજે અમે સ્થળ પર જઈને વિઝિટ કરી અને જે તે અધિકારીને ફોનો કર્યા હતા, અમને એવી ખાતરી આપવામાં આવી છે કે 1-2 દિવસમાં કામગીરી શરૂ કરીશું, તો કદાચ 3-4 દિવસની અંદર પાણી અમારા વિસ્તારનું ચોખ્ખું નહીં થાય। તો અમે કમિશનરશ્રીને આજે અમે પત્ર બી લખીશું અને ટૂંક સમયની અંદર વિસ્તારના તમામ લોકોને લઈને કમિશનરશ્રીને રજૂઆત કરીશું। સ્માર્ટ સિટી વચ્ચે વિકાસની વાતો કરવામાં આવે છે, ધીરોભરતી જનતાને પ્રાથમિક સુવિધા પણ મળતી નથી, શું કહેશો? આના લીધે અમે અગાઉ પણ વારંવાર એ જ રજૂઆત કરી છે કે જ્યારે કરોડો રૂપિયા પાણી પુરવઠાવાળા ખર્ચો કરતા હોય અને અધિકારી 10-10 દિવસ સુધી ગંદુ પાણી આવે ને કોઈ જાતની કામગીરી ના કરે, કમિશનરશ્રી બેઠા બેઠા કરે છે કે વડોદરા શહેરમાં અમે તમામ લોકોની સમસ્યા જે કે હલ દૂર કરી દઈશું, તમામને ચોખ્ખું પ્રેશું વધારે પ્રેશરથી પાણી આપીશું, પણ તમે જોઈ શકો છો માન 1 કલાક પાણીમાં બી 20-25 મિનિટ ગંદુ પાણી આવતું હોય ને એની કામગીરી ના કરવામાં આવે, એ બહુ ખરાબ બાબત છે। એટલે અમારું એવું કહેવું છે કે વહેલી તકે અમારા વિસ્તારમાં જે કંઈ ગંદુ પાણી આવે છે, જીવડાવાળું પાણી આવે છે, એને બંધ કરીને પૂરતા પ્રેશરથી ચોખ્ખું પાણી મળવું જોઈએ એવી અમારી